नमस्कार साथियों, रीट की तैयारी करने वाले सभी अध्यापकों को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो के अंदर हम करंट जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और परीक्षा के अंदर पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 2022 के अंदर जितनी भी परीक्षाएँ हुई है उनकी हम करंट जीके की सभी परीक्षाएँ बार बार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहले लाइब्रेरियन पढ़ा था, उसके बाद पीटीआई का पढ़ा था, अब आगे और पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, और पीडीएफ पाना चाहते हैं ये तो सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पे आप विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ से, और आप इंपॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं साइकोलॉजी के तो ORJAT.com वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक भी उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पर्सन ये सब पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस वीडियो का। अब आज पढ़ेंगे कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न, जो कि विस्तार से होंगे, आप देखते रहिए एंड तक, अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया था? ए ऑप्शन है चौंप जयपुर, बे सांगानेर, से जोधपुर, दे है किशनगढ़। इसके अंदर ए इज द राइट आंसर, चौंप जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? ए है जयपुर, बे अजमेर, से डूंगरपुर, दे जोधपुर। इसके अंदर आपका से इज द राइट आंसर, डूंगरपुर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है, हाँ, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? ए January 2022, बे March 2022, से April 2022, दे अप्रैल के बाद May 2022। इसके अंदर से इज द राइट आंसर, April 2022 होगा। राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया है? ए है जागृति बाल विकास योजना, बे है IM शक्ति उड़ान योजना, से उड़ान के साथ शक्ति योजना, दे है बालिका विकास योजना। बे इज द राइट आंसर, IM शक्ति उड़ान योजना होगा इसके अंदर आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? ए है 1576 ईस्वी में, बे है 1582 ईस्वी में, से है 1585 ईस्वी में, और दे है 1594 ईस्वी में। से इज द राइट आंसर, 1585 उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थान भाषा के लिए किसे दिया गया है? ए है अनुराधा शर्मा, बे है नमीना गोखले, से है मिटेश निर्माई, दे है राजशाही। इसके अंदर से राइट आंसर, मिठेश निर्माई होगा, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से है? ए है गर्वधन गान, गंधर्व गान, कवाली गायन, मांड गायन, फड़ गायन। इसके अंदर आपका सही आंसर मांड गायन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। इसके अंदर आपका सही आंसर जोधपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अम्बेसडर कौन है? सारिका गुप्ता, अवनी लेखरा, मिताली राज, दे गुलाब सपेरा। इसके अंदर बे इज द राइट आंसर, अवनी लेखरा। नेक्स्ट प्रश्न, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, राइफल शूटिंग, कबड्डी, खो खो। बे इज द राइट आंसर, राइफल शूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद मतलब राजीविका का स्टेट ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया जाएगा या बनाया गया, सॉरी। ए है ममता भारद्वाज को, बे है सीमा शर्मा को, से है रूमा देवी को, दे है पूनम जैन को। इसके अंदर से आंसर सही, रूमा देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान है? ए है 10वां, बे है 12वां, से 14वां, दे है 15वां। इसके अंदर दे इज द राइट आंसर, 15वां स्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर कमल कोठारी
स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किस प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है? ए है विजय वर्मा, बे है आलोक त्रिपाठी, से है मुरलिया शर्मा, दे है दीपिका शाह। इसके अंदर आपका सही आंसर विजय शर्मा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास स्थान राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा कहाँ किया गया? ए है उम्मेद प्लेस जोधपुर, बे है राजभवन जयपुर, से है सिटी प्लेस उदयपुर और दे है ब्रजपाल विन्यास प्लेस कोटा। इसके अंदर बे सही आंसर होगा, राजभवन जयपुर के अंदर करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे सत्य असत्य को देख लेना, यहाँ पे असत्य का पूछा गया है, असत्य के बारे में बताना है, असत्य के बारे में। पहला है, राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई है। बे है इनमें से प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। से है इनमें से 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। दे विशेष प्रति के कार्य हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 होगा। इसके अंदर आपका सही आंसर दे होगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूएन सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? कोटा, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ए इज द राइट आंसर, कोटा ऑप्शन होगा। 17 नंबर प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? ए बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बे अलवर, भरतपुर, जयपुर, से जयपुर टोंक, कोटा, दे कोटा, बारां, झालावाड़। ए इज द राइट आंसर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। इसके अंदर से इज द राइट आंसर, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, इसके अंदर आपका नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न है, 18 प्रश्न आपने पढ़े थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रयोगशाला सहायक के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट देखते नहीं है एंड तक, तो उसकी वजह से इतना ही वीडियो बनाना मजबूरी के अंदर पड़ रहा है। तो आप इस वीडियो को कुछ देखा है, कुछ नोटिस किया है, रीड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स डाउनलोड करने के लिए ORJAR.com वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ये PDF पढ़ने के लिए, और भी उस पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, PDF, डेली क्विजेस सब कुछ मिलता है। अच्छा लगे साथियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।